हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर राहुल और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपका डॉग एक बार बैठने के बाद डॉग फिटिंग पोजीशन में फ्रॉक जैसा अगर बैठ रहा है और उठ नहीं पा रहा है, या फिर सीढ़ियाँ चलने में अगर इसे दिक्कत है, तो इसे हिप डिस्प्लेक्सिया नाम की जो बीमारी होती है वो होने की इसमें संभावना रहती है। तो हमें कुछ हमारे सब्सक्राइबर ने यहाँ पर हमें कमेंट में पूछा था कि सर हिप डिस्प्लेक्सिया जो होता है इसके बारे में वीडियो बनाइए। जैसे फ्रेंड आपको पता है कि आपकी जो भी हमें कमेंट आती है उसके ऊपर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे दो तीन जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें हम कहा था कि सर हमें हिप डिस्प्लेक्सिया के बारे में वीडियो बना के इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की जो भी वीडियो होने वाली है ये हिप डिस्प्लेक्सिया के बारे में होने वाली है। तो इसमें इसके रीजंस कौन से होते हैं और इसमें हमें क्या क्या मेडिसिन लेनी है, कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है और डाइट मॉडिफिकेशन और एक्सरसाइज कौन से करने, इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बन रहे हमारे साथ लास्ट तक। और हाँ, अगर आप चैनल को नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप हमारी जो नई और इम्पोर्टेंट वीडियो कभी ना मिस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, इसका नाम हिप डिस्प्लेक्सिया है। जैसे आप अब स्क्रीन पे देख रहे हो तो इस तरह से एक नॉर्मल एक्सरे है और दूसरा जो है ये हिप डिस्प्लेक्सिया का एक्सरे। तो जनरल इसमें जो जॉइंट होता है हिप में, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। इस तरह से बॉल होता है, इस तरह सॉकेट होता है। तो इसमें बड़े ही आराम से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी हिप डिस्प्लेक्सिया जब भी डॉग को हो जाता है तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट काफ़ी रफ हो जाते हैं। बोन की डिफॉर्मिटी होने की वजह से काफ़ी बुरी तरह से इनमें घर्षण होना चालू हो जाता है और इसमें बहुत सारी अलग अलग ग्रोथ होने की वजह से और सॉकेट में जो भी बॉल बैठता है ये ठीक तरह से बैल नहीं पाता है और इसमें डॉग को चलने में काफ़ी तकलीफ होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मेन इटर्ज कॉज होता है। तो इसमें लक्षण कौन से होते हैं, तो एक बार आपका डॉग बैठने के बाद उठने की कोशिश करेगा तो उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अगर आपको डॉग को जो भी स्टेयर्स है यानी सीढ़े चढ़ने में अगर तकलीफ होती है तो ये भी हिप डिस्प्ले के साइन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डॉग को अगर हिप के जॉइंट को अगर जस्ट आप प्रेस करके देखते हो तो वहाँ पर उसके पेन होती है। उसके बाद आपका डॉग एक्सरसाइज करने के लिए काफ़ी इसमें आनाकानी करेगा। सो फ्रेंड, आपका डॉग को यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हिप की जगह पर अगर टच करते हो बॉल एंड सॉकेट की जगह पर तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद जंपिंग जो होती है उसको बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा और डॉग की जो पोजिशन होती है फ्रॉक सीटिंग पोजिशन की तरह, इस तरह से दोनों पैर फैला के हमेशा बैठने की कोशिश करेगा और चलते टाइम इसे बनी हॉपिंग पोजीशन कहते हैं। तो ऐसी गेट जो होती है डॉग की काफ़ी डिफरेंट तरह से इसमें होती है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें रीजंस कौन से होते हैं, ठीक है। ये हमें हिप डिस्प्लेक्सिया हमारे डॉग को क्यों हो रहा है, तो जनरली देखिए जो एबनॉर्मल ब्रीडिंग जो होती है काफ़ी बहुत बार हमें यहाँ पर जो भी मेल फीमेल जो होते हैं अगर एक ही लाइन के हैं या फिर सिस्टर ब्रदर अगर होते हैं, इनमें अगर ब्रीडिंग करवाते हो तो इस तरह की हिप डिस्प्लेक्सिया की प्रॉब्लम हमें यहाँ पर देखने में आती है। तो जनरली ये हेरिडिटरी होती है जिसे हम अनुवांशिक कहते हैं। तो जनरली हैवी ब्रीड के जो भी डॉग्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, स्पेशली ग्रेट डेन्स जो होते हैं, उसके बाद सेंट बर्नार्ड और लैब्राडोर रिट्राइवर का जो भी ब्रीडिंग होता है इसमें भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। उसके बाद लास्टली जर्मन शेपर्ड जो डॉग होते हैं इसमें भी हमें ये सब चीज़ें देखनी चाहती। तो अब ये हिप डिस्प्लेक्सिया हमारे डॉग को होता क्यों है, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आपका डॉग ओवरवेट ज़्यादा है तो जॉइंट के ऊपर नेचुरल्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से भी हिप डिस्प्लेक्सिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपके डॉग को आप मॉडरेट अगर एक्सरसाइज अगर नहीं दे पा रहे हो तो इसकी वजह से भी होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर वेट, जैसे हमने पहले ही बताया, अगर सडनली अगर डॉग का वेट अगर ज़्यादा हो जाता है तो इसमें प्रॉब्लम आती है। और खाने में अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो तो इसमें भी डॉग को इसमें हिप डिस्प्लेक्सिया होने के चांस होते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमें हिप डिस्प्लेक्सिया जो चीज़ है हमें वहाँ से उससे डॉग को क्योर कर सके। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, आपको डाइट को यहाँ पर मॉडिफाई करना है, ठीक है। तो इसमें हमें कैल्शियम ज़्यादा डॉग को नहीं देना है और जो भी एनर्जी है डॉग को नहीं देना है, तो बैलेंस डाइट आपको डॉग को यहाँ पर मॉडिफाई करके देना पड़ेगा। इसमें हाई वाइटामिन्स सोर्स जो है आपको यूज़ करनी पड़ेगी और मिनरल्स जो होती है डॉग को यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद हल्दी जो होती है, हल्दी बहुत अच्छी होती है तो आप डाइट में हल्दी बिल्कुल ऐड कीजिए। उसके बाद फिश जो होता है, फिश में ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है तो इसमें भी ग्लाइडिंग के लिए ये काफ़ी हेल्प करता है, तो आपको आप उस डॉग को आप फिश दीजिए। उसके बाद जिंजर जो होता है, जिंजर आप थोड़ा सा डॉग के जो भी डाइट है उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिए। पम्पकिन भी बहुत अच्छा होता है ये जॉइंट पेन के लिए। और उसमें स्पेनिश जो होती है, आपको स्पेनिश भी यहाँ पर पालक जो कहते हैं आप वहाँ पर यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, डॉग को फिजिकल एक्टिविटी करवानी है लेकिन बहुत ज़्यादा विगरस नहीं करवानी है, नॉर्मल मॉडरेट वॉकिंग जो होती है वही आपको डॉग को यहाँ पर देना है।
थर्ड जो चीज होती है जिसे हाइड्रोथेरेपी कहते हैं यानी स्विमिंग। डॉग को आप टब में रख के उसको स्विमिंग कराने दीजिए। स्विमिंग के करने के वजह से आपके डॉग के जो भी जॉइंट आते हैं उसमें प्रेशर नहीं आता है, ग्लाइडिंग अच्छी होती है, ठीक है। वॉकिंग टाइम पे जॉइंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, शायद डॉग चल भी ना पाए, लेकिन स्विमिंग के लिए डॉग को प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें डॉग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है। और हिप डिस्प्लेक्स जगह प्रॉब्लम 50% से भी ज़्यादा स्विमिंग जो होती है हाइड्रोथेरेपी से यहाँ पर इमीडिएटली कम हो जाते हैं। उसके बाद नेचुरल सप्लीमेंट जो होता है ग्लूकोजामाइन होता है, उसके बाद कॉन्ड्रोलिन सल्फेट होता है, तो ये आप डॉग को आप यहाँ पर सप्लीमेंट में यहाँ पर दे सकते हो। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो आती है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस। देखिए डॉग को जब भी हिप्स की प्रॉब्लम होती है, डॉग सोने की जब भी कोशिश करता है तो उन्हें पेन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो डॉग ठीक तरह सो नहीं पाते। तो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस अगर आप यूज़ करते हो, जो ह्यूमन में भी आती है, आप वो अगर यूज़ करवाते हो तो डॉग को काफ़ी आराम होता है, और रात भर अच्छी नींद होने की वजह से डॉग की रिकवरी अच्छी होती है। अगर आप डॉग अच्छे से सो नहीं पाएगा तो उसकी रिकवरी अच्छी नहीं हो पाएगी उसमें, और उसको बहुत सारी चीज़ें और उसको डिसीज़ लगने के चांसेस में काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको डॉग को जैसे बताया मॉडरेट एक्सरसाइज जो होती है वो आपको देनी है। उसके बाद आपको लास्टली हीट थेरेपी जो होती है, ठीक है, जनरली जहाँ भी इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर अगर आप हीट थेरेपी अगर देते हो स्पेशली जॉइंट्स में, तो यहाँ पर इंफ्रारेड लाइट आता है इस तरह से, इसके हमने अमेजोन की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो इंफ्रारेड लाइट जो होते हैं ये 15 मिनट्स 3 times a day अगर करते हो तो इसमें आपके डॉग को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से आराम पड़ता है। उसके बाद फ्रेंड्स हिप डिस्प्लेक्सिया में आपको यहाँ पर व्हील चेयर बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो व्हील चेयर किस तरह से लेने, इसके डायमेंशन किस तरह से होते हैं और कहाँ से खरीदनी है, इसके बारे में सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, तो आप जाके दे सकते हैं। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए और आई बटन में भी फ्लैश हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स सबसे लास्ट लेवल सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट वाला पार्ट होता है, तो उसमें अर्थरॉन करके यहाँ पर नेचुरल लिमिट्स की मेडिसिन आती है। तो छोटे पपीज़ अगर है तो छोटे पपीज़ में यहाँ पर इसका लिक्विड का जेल आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बड़े डॉग्स के लिए यहाँ पर टैबलेट्स आती है, तो ये 30 टैबलेट्स की डब्बी आती है, तो आप एक टैबलेट रोज़ ऐसी आप डॉग को यहाँ 1 month दीजिए तो इसमें डॉग को काफ़ी ज़्यादा आराम पड़ता है। ये नेचुरली है, इससे डॉग को साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। और स्पेशली ऑर्थरॉन के ऊपर हमने सेपरेट डेडिकेट वीडियो बनाई है, क्योंकि ये ह्यूमन में भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, तो डॉग में भी ये मेडिसिन आई है, तो ये मेडिसिन आप जरूर यूज कीजिए। आपके डॉग के जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है या फिर हिप डिस्प्ले जो प्रॉब्लम है, जनरली 1 month में अगर ज़्यादा सीवियरिटी नहीं है तो इजीली यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हम इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो तो हमें इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर लाने की कोशिश करेंगे। और चैनल्स को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट ना मिस करने के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही तो हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप करने के बाद हमें यहाँ पे वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए, उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कंसल्टेशन कॉल बुक होने के बाद आपको इस तरह QR कोड आएगा, तो ये QR कोड स्कैन करके आपके हमारे यहाँ पर छोटी सी कंसल्टेशन फीस आपको वहाँ पर पेड करानी। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हमारी फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें होगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर सॉल्व कर देंगे। और इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद ये मेडिसिन यूज करने के बाद आपके डॉग की जो भी रिकवरी ये बहुत ही फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम इसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो और ऑनलाइन कंसल्टेशन नीचे दिए नंबर पर जरूर टाइप कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।